साल 2022 जाने वाला है, 23 आने वाला है और यही वो टाइम होता है जब पूरी दुनिया पलट कर देखती है कि उनका साल कैसे बीता। तो बस आज क्रिको पर हम भी पलट कर देखेंगे कि कैसा रहा साल 2022 टीम इंडिया के लिए। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं रौनक। क्रिको पर आपका स्वागत है, राम राम। ये रहा हमारा इंस्टाग्राम, ये रहा हमारा टेलीग्राम, यहां पर हमको जरूर फॉलो करना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, क्लिक करके सीधा हमारे इंस्टा और टेलीग्राम पे आप पहुंच सकते हो। फिलहाल इंडिया को अब 2022 में एक ही टेस्ट मैच खेलना है और इस आखिरी मैच को जीतकर टीम इंडिया साल का अंत एक सीरीज के जीत के साथ तो करना ही चाहेगी। साथ ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तरफ भी एक मजबूत कदम बढ़ाना चाहेगी इंडिया। अब क्या होगा बांग्लादेश के खिलाफ ढाका टेस्ट का नतीजा, ये तो पता चलेगा कल मैच शुरू होने के बाद। मगर इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक नए और सिंपल अर्निंग गेम के बारे में। जी हाँ, जहां सिर्फ यस या नो में ओपिनियन देकर आप मस्त पैसे जीत सकते हो। MPL ओपिनियो इसका नाम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, जल्दी से क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करो। अलग अलग टॉपिक्स हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, स्पोर्ट्स, फाइनेंस, क्रिप्टो, कई सारे टॉपिक्स, बड़े सारे सवाल, सिर्फ यस या नो में देना है आपको जवाब। डेली 50 लाख तक जीतने का मौका है। अब इंडिया बांग्लादेश टेस्ट मैच कल से शुरू हो रहा है, ढेर सारे क्वेश्चंस वहां पर आपको मिलेंगे, जैसे क्या इंडिया सेकंड टेस्ट मैच में बांग्लादेश के सामने जीतेगा, क्या पहले 10 ओवर में इंडिया 30 से ज्यादा रन बना पाएगी, क्या सिराज पहली पारी में 5 विकेट ले पाएंगे, वगैरह। बड़े सारे सवाल है, सिर्फ यस या नो में आपको जवाब देकर अपना ओपिनियन देना है। साथ ही डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया उस पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करो, क्रिको 50 ये कोड यूज करो और फर्स्ट ट्रेड फ्री प्लस ₹50 तक का बोनस कैश भी। क्या समझे आप, डाउनलोड करो। वीडियो पे वापस आते हैं और इस वक्त मैं आपको ले चलूंगा साल 2022 में टीम इंडिया की रिवाइंड जर्नी में, जिसमें हमने विराट की कप्तानी जाती हुई देखी, हमने अपने प्रीमियर खिलाड़ियों की इंजरी देखी, काबिल खिलाड़ियों की नाकामयाबी देखी, हर दौरे पर नए नए कप्तान देखे, नए कोच देखे, लेकिन नतीजा नेगेटिव ही देखा। तो आइए टीम इंडिया की उन बड़ी हार पर एक नजर डालते हैं, इस उम्मीद के साथ कि साल 2023 में हमको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। क्या समझे, सबसे पहले बात करते हैं 2022 में भारत ने साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज 2-1 से गंवाया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में केप टाउन का पहला मुकाबला जीतने के बाद भी टीम इंडिया 2-1 से सीरीज हार गई। भारत अगले 2 टेस्ट मैचों में 7 विकेट से मैच हारा। इसके साथ ही भारत ने साउथ अफ्रीका की धरती पर अपनी पहली टेस्ट सीरीज जीतने का सुनहरा मौका गंवा दिया। इस हार के बाद इतने सवाल उठे कि विराट कोहली को टेस्ट की कप्तानी छोड़नी पड़ी। टीम इंडिया के सर्वश्रेष्ठ कप्तान को टीम के ऐसे खराब प्रदर्शन के बीच कप्तानी के पोस्ट से हटना पड़ा। आगे बढ़ते हैं, इंग्लैंड के खिलाफ एजबेस्टन में टीम इंडिया की शर्मनाक हार। टीम इंडिया जून जुलाई में जब इंग्लैंड के दौरे पर गई तो लगा कि इस बार इंडियन फैंस को जीत का जश्न मनाने का मौका मिलेगा। टीम इंडिया ने फैंस की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए शुरुआती मुकाबलों में शानदार खेल दिखाते हुए इंग्लैंड को उनकी ही धरती पर खूब परेशान किया, लेकिन सीरीज के 5वें मैच में भारतीय बॉलरों ने ऐसा निराशाजनक प्रदर्शन किया जिसको याद करते ही मन उदास हो जाता है। टेस्ट मैच की 4थी पारी में इंग्लैंड को जीत के लिए 378 रनों का टारगेट देने के बाद भी टीम इंडिया ये मैच 7 विकेट से हार गई। अचानक से टीम इंडिया के वर्ल्ड क्लास बॉलर जो रूट और जॉनी बेस्टो के सामने बेबस दिखने लगे। दोनों ब्रिटिश बैटर ने शतक लगाकर टेस्ट सीरीज को 2-2 से ड्रॉ करा लिया और भारतीय फैंस का दिल तोड़ डाला। आगे बढ़ते हैं, साउथ अफ्रीका ने वनडे सीरीज में भी टीम इंडिया को 3-0 से रौंदा। जनवरी 2022 में टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज हुई। तीनों वनडे मैच में टीम इंडिया हारी। इस वनडे सीरीज में साउथ अफ्रीका बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों मोर्चे पर टीम इंडिया को पटखनी देती दिखाई दी। यूं कहें कि स्टार से भरी टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के सामने भीगी बिल्ली नजर आई। आगे बढ़ते हैं, होम ग्राउंड पर भी साउथ अफ्रीका से T20 सीरीज नहीं जीत पाया भारत। जून के महीने में पंत की कप्तानी में टीम इंडिया को होम ग्राउंड पर T20 सीरीज में साउथ अफ्रीका से हार का बदला लेने का मौका था, लेकिन वो मौका हाथ से फिसल गया। इस सीरीज के पहले 2 मैच में साउथ अफ्रीका जीता। इसके बाद सीरीज के बाकी के 3 मैचों में से 2 मैच भारत ने जीतकर सीरीज को 2-2 से बराबर किया, जबकि आखिरी मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया। आगे चलते हैं, T20 वर्ल्ड कप में 10 विकेट की हार के साथ विदाई। पूरे लाव लश्कर के साथ T20 वर्ल्ड कप में उतरी टीम इंडिया को सेमीफाइनल में 10 विकेट की करारी हार झेलकर विदा होना पड़ा। रोहित शर्मा की लीडरशिप में टीम इंडिया की शिप टाइटैनिक की तरह डूब गई। जब एडिलेड में खेले गए सेमीफाइनल मैच में इंग्लैंड ने पूरी तरह से उनको मसल कर रख दिया। भारत ने आखिरी बार 2013 में ICC खिताब जीता था और उनकी एकमात्र T20 वर्ल्ड कप जीत 2007 में हुई थी। स्टार स्टडेड टीम इंडिया द्वारा दिया गया ये जख्म इंडियन क्रिकेट फैंस को आने वाले कई सालों तक दर्द देता रहेगा। इसके अलावा भारत न्यूजीलैंड से वनडे सीरीज 1-0 से हारा। T20 वर्ल्ड कप की हार के बाद इंडियन फैंस को लगा कि टीम इंडिया न्यूजीलैंड से जीतकर कुछ खुशी के पल एंजॉय करने का मौका देगी, लेकिन ये भी होना सकता। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज 1-0 से जीतने के बाद भारत वनडे सीरीज इतने ही अंतर से हार गया। 3 मैचों की वनडे सीरीज बारिश से प्रभावित रही। ऑकलैंड में खेले गए पहले वनडे में भारत को 7 विकेट से हार मिली। न्यूजीलैंड ने 48 ओवर के अंदर ही जीत के लिए 307 रनों का टारगेट का पीछा किया और भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की बखिया उधेड़ कर रख दी। हैमिल्टन और क्राइस्टचर्च में बाकी के 2 मैच बारिश से प्रभावित थे और भारत 2022 की अपनी दूसरी बायलैटरल सीरीज हार गया।
और अब अंत में बांग्लादेश से वनडे सीरीज में भी भारत को मिली हार। टीम इंडिया के लिए शायद 2022 की सबसे बड़ी हार बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में रही। तीन मैचों की सीरीज के पहले मैच में टीम इंडिया महज 186 का टारगेट सेट कर पाई, जिसे बांग्लादेश की टीम ने 136 पर 9 विकेट गिरने के बाद भी अपने नाम कर लिया। मेहंदी हसन और मुस्तफिजुर रहमान ने आखिरी विकेट के लिए 51 की पार्टनरशिप करी और भारत को मीरपुर में 1 विकेट से हराया। इसी के साथ बांग्लादेश ने तीन मैचों की सीरीज में इंडिया पर 1-0 की बढ़त बना ली थी। फिर इस जीत के उत्साह से लबरेज बांग्लादेश की टीम ने अगले वनडे में भी टीम इंडिया को हरा दिया और सीरीज अपने नाम कर ली। इस मैच में भारत 271 रनों के जवाब में सिर्फ 266 ही बना पाया। टेस्ट, T20 और वनडे, हर फॉर्मेट में इस साल टीम इंडिया अपने नाम के मुताबिक प्रदर्शन करने में नाकाम रही। मगर अब टाइम है बीती बातों को भूलने का और साल की समाप्ति जीत के साथ करने का, क्योंकि आखिरी टेस्ट में जीत टीम इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की तरफ एक कदम और ले जाएगी। तो आपका क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, क्या इंडिया बांग्लादेश को आखिरी टेस्ट में हरा पाएगी? अपनी ओपिनियन आप MPL ओपिनियन पे बताओ, यहां वहां वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, सिर्फ यस या नो में आपको जवाब देना है और साइन अप करने के बाद कोड क्रिको50 यूज करना, अपना फर्स्ट ट्रेड आपको फ्री मिलेगा और साथ ही साथ ₹50 तक का बोनस भी। तो जल्दी से MPL ओपिनियन को डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और जाने से पहले हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आप देख कहां से रहे हैं और टीम इंडिया के लिए आपके पास कोई सजेशन है क्या आखिरी टेस्ट मैच के लिए, तो बिंदास लिख डालना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ ओनली ऑन क्रिको। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। और हां, ये रहा हमारा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, वहां पर भी हमें जरूर बोलना राम राम, डिस्क्रिप्शन में इन दोनों का भी लिंक दिया है। See you tomorrow.